अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। फिल्म ने अब तक कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं, लेकिन लगता है कि खिलाड़ी कुमार का मन इतना जल्दी नहीं भरने वाला है। अक्षय कभी वॉर तो कभी भारत जैसी फिल्मों को धूल चटा देते हैं, तो कभी टोटल धमाल और गली बॉय का बुरा हाल कर देते हैं। वहीं अब लीजिए अक्षय की हाउसफुल 4 ने दो और बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। दरअसल हाउसफुल 4 ने 10 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर 172 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली है। वहीं अक्षय ने टाइगर की बागी 2 और सलमान खान की रेस 3 के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। जहां एक तरफ बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 166 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, वहीं रेस 3 ने 169 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस हिसाब से देखा जाए तो अक्षय ने हाउसफुल 4 के जरिए सलमान और टाइगर दोनों को करारी मार दी है। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले हैं, उसके बावजूद भी ये फिल्म शानदार कमाई कर रही है। बता दें कि इस फिल्म में अक्षय के अलावा कृति सैनन, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, पूजा हेगड़े और कृतिक हरबंदा भी लीड रोल्स में हैं। बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का बजट लगभग 80 करोड़ रुपए है। वहीं इस फिल्म को 3900 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। बता दें कि इस फिल्म का रास्ता इस हफ्ते एकदम साफ है, क्योंकि इस हफ्ते कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। दिवाली के मौके पर हाउसफुल 4 का मुकाबला सांड की आंख और मेड इन चाइना से था। उसके बाद भी हाउसफुल 4 का जादू दर्शकों पर बरकरार है। फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी नेगेटिव पब्लिसिटी की गई थी, लेकिन उसका भी इस फिल्म पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म आने वाले दिनों में भी जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक्टर बनना है वो तो बहुत मतलब आई थिंक तब से अब तक काफी कुछ बदला है, बट इट्स वेरी वेरी सरियल एंड स्पेशली फॉर मी कमिंग बैक टू वर्किंग विद साजिद नाडरवाला सर हु इज लॉन्च मी। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे आई कुड हैव कम बैक वर्किंग विद हिम एट होम विद अ ग्रेट फ्रेंचाइज लाइक हाउसफुल 4। पूजा जी, या आई डोंट थिंक मुझे कभी लगा था कि मैं हाउसफुल करने वाली हूँ, बिकॉज लाइक शी सेड आई नेवर थॉट आई वुड बी एन एक्टर। बट आई थिंक जो आपने 1, 2 और 3 हाउसफुल देखा ये बहुत ही अलग है। इवन सिंपल थिंग्स जैसे कि हम राजकुमारियाँ बहुत ही लाइक वी आर वॉरियर प्रिंसेसेस, यू नो, तो हम एक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं फिल्म में, एंड आई थिंक इट इज़ इट्स समथिंग दैट सो यूनिक दैट आई गॉट टू प्ले पास्ट लाइफ एंड प्रेजेंट लाइफ इन वन फिल्म, सो इट्स गोना बी यूनिक। आप कुछ कहना चाहेंगे कृतिक हरबंदा जी? Houseful is probably my most favorite comedy franchise film. I can't believe sometimes that I'm a part of it. जब पहला poster आया था, for me it was a moment of pride. मैंने mom को सबसे पहले WhatsApp पे भेजा before I posted it online saying, "Ma, I can't believe I'm in Houseful." It was a very emotional moment for me. Apart from that, I think all I'd like to say is, of course, every movie is special, but Houseful definitely it ticks something off my bucket list, and I find it a matter of great deal to have worked with such lovely people. And period drama bhi kar liya, Houseful bhi kar li, 2-in-1 ho gaya hamara to. Akshay ji, ek aapke theek saamne. Inki list ek. Ek aakhri sawal mera aapse, you know, aapne kai baar bataya hai ki jisse aapne acting seekhi hai, jo aapke guru hain, wo hai Mr. Amitabh Bachchan ji. Haal hi mein unhe jo hai Dada Saheb Phalke Award ke liye unka naam aaya hai, to agar aap apne kuch beautiful alfaz unke liye kuch agar aap keh sakein. Ritesh ji, aapse bhi. Bobby ji, please. Main unko phone karke keh dunga. Hamare liye video bite. Video bite. Kar lunga beta, kar lunga main. Hello, Akshay sir, this is Surya here from Bollywood Crazies, and there is one question. Sir, hi, this is here. Yeah, Akshay sir. Yeah, my question to you is like, इस तरह की कॉमेडी जनर थोड़ा आजकल कम आ रही है और कॉमेडी फिल्में थोड़ी कम बन रही है, ऐसे में एक यूनिक कंसेप्ट लेकर इतनी बड़ी फिल्म बनाना कितना डिफिकल्ट रहता है एज एन एक्टर के लिए, दो अलग अलग रोल करना और मेकर्स के लिए इस तरह की फिल्म जस्टिफाई करना, एक बड़ी फिल्म बनाना ताकि ऑडियंस को पसंद आए, बिकॉज द ट्रेलर वाज माइंड ब्लोइंग। बस सबसे पहले शुक्रिया कि आपको ट्रेलर अच्छा लगा। दूसरी बात है, एक शेर दिल चाहिए होता है इतनी बड़ी फिल्म बनाना, जो कि
हमारे साथ फॉक्स हैं, हमारे साथ साजिद नडियाडवाला है, इन्हीं का शेर दिल है जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्म बना लेते हैं. और मुश्किल बहुत रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे इतने एक्टर्स को लेके उनको एक फिल्म के अंदर पिरोना वो बहुत ही मुश्किल रहता है. लेकिन अगर जितने भी आर्टिस्ट और जितने भी टेक्नीशियंस खेल के काम करें तो इस मुश्किल का पता नहीं चलता, बहुत आसानी से निकल जाती है. ये फिल्म करीबन 8-9 पहले ही ख़त्म हो गई थी. उसके बाद VFX की वजह से वक्त लगता है VFX को, जैसे आप जानते हो, क्योंकि जैसे आपने VFX देखे हैं तो. और ये वरना तो ये हमारी फिल्म मुझे लगता है हमने करीबन 60 या 70 दिन के अंदर ख़त्म कर दी थी. तो बहुत जल्दी ख़त्म कर दी इसको. आपका माइक बंद है. ओके, जस्ट वन थिंग, आफ्टर दिस क्वेश्चन वील बी शिफ्टिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया ऑल्सो, जस्ट अ फ्यू क्वेश्चन टू देम एंड वील बी कमिंग बैक टू अस. एंड मनीष, हाँ जी सर, आफ्टर दिस इनके साथ फिर आई वुड रिक्वेस्ट हम से that 2-3 questions to for the people behind, if they can, they want to ask also. Absolutely. I think they'll be more than happy. Sajid sir, this side. So in the last 3-4 months, you have delivered 2 blockbuster films, Chechore and Super 30, and now this looks another blockbuster film. So how do you do this, and how excited are you for the film? Same what Akshay said. It's all luck, right time, right place, right mind. इन्होंने 70 बोला, मैं 90 बोलता हूँ % of luck. मेरे लिए एटलीस्ट. अक्षय जी हियर. इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं, तो क्या इसका कितना असर पृथ्वीराज पर रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की फिल्म है और ये बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की. और दूसरी बात है कि पिछला वाला प्रश्न भूल जाऊंगा फिर आप ही को पूछूंगा, वापस बताओ. एक एक करके पूछ लो, आप दो पूछ लो लेकिन एक एक करके. हाँ, वापस बताइए क्या इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म में, तो इस फिल्म का असर उस फिल्म पर कितना पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं है इसमें. ये बहुत अलग फिल्म है, वो बहुत अलग फिल्म है. इस फिल्म के बीच में और उस फिल्म के बीच में करीबन 4 और आ जाएंगी फिल्में, तो फर्क तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी. और इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल, चूंकि आप इसमें राजपूत बने हैं, तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके किरदार में कुछ ऐसी फनी चीज हो जो करनी सेना को वो ना भाए? प्लीज आप रहने दें मैडम. आपको शांति अच्छी नहीं लगती मुझे, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम. ओके, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ऐसे कुछ ना करें. ओके, अच्छी भली आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आपने जबरदस्ती कुछ करना है ये सब? नहीं, क्या फायदा, घर जाएंगे, खेल हंसते खेलते, क्या फायदा. क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेल सेड अक्षय सर. एंड विद दैट आई थिंक वी विल बी शिफ्टिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया एंड उनसे हमें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं. We'll be talking to the media sitting in Australia, Melbourne. You do it after this. After this, you do it. मैं मेलबर्न वाले कह रहे हैं, हमने भी मतलब वीजा लगवा के आ जाते, जल्दी पहुंच जाते, बेचारे बड़ी देर से बैठे हैं, वो भी उनको भी पूछ लेते हैं. Alright, so hi to the people in Melbourne. And यहाँ से क्वेश्चन आया है एक AJD India journalist Tony Sethi and Indira Lesram. इन्होंने अक्षय सर आपके लिए सवाल पूछा है. अक्षय कुमार, what are the similarities between a present day barber and a king of a bygone era? मतलब ये सवाल आपके दोनों किरदारों में क्या सिमिलैरिटीज हैं सर? कि आप वहाँ पे पुराने टाइम के राजा प्ले कर रहे हैं और फिल्म में एक नाई भी प्ले कर रहे हैं सर आज का, तो क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, ये जानना चाहती हैं. हाँ जी सर, एक राजकुमार और एक नाई में क्या सिमिलैरिटी है सर? मेरे हिसाब से दोनों इंसान है. बस यही सिमिलैरिटी, ये फिल्म के हिसाब से तो यही सिमिलैरिटी है कि एक के बाल नहीं थे और एक के बाल थे जो दूसरे जन्म में काट रहा था सबके. और जो इस जन्म में वो दूसरे के बाल काट रहा था उनको गंजा कर रहा था, खुद पिछले जन्म में गंजा. बहुत कंफ्यूजिंग है यार, मत पूछो. मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इस स्क्रिप्ट के दौरान, स्क्रीन प्ले के दौरान. करीबन जब फिल्म देखी तो समझ में आया कि सब ठीक है. और क्योंकि जब ये सुबह 5 बजे आता था स्क्रिप्ट सुनाने,
तो ये खुद परेशान रहता था. So it is quite confusing, but it is loving. I mean, said, एक ये बताऊं कि it is going to be a first one of a kind kind of a film where reincarnation को आप एक हंसी के मजाक में और एक मतलब बहुत ही कॉमेडी बहुत ही मस्ती वाली फिल्म है, बहुत ही मजाकिया वाली फिल्म है. और क्या